हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर, इस सीरीज़ को आप स्टार्ट करिए। अभी मैंने डिसाइड किया है, जो हिस्ट्री क्लासेस की सीरीज़ है वो आपकी कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि ये हाफ जैन तक, ठीक है, 2019 तक, 2019 तक ये जो हिस्ट्री की वीडियोज़ है वो कम्प्लीट हो जाएंगी। और जिसके नोट्स होंगे, ठीक है, वो भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर वीडियोस नोट्स एज वेल एज जो क्वेश्चंस नोट्स हैं वो भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने इंडियन पॉलिटी की वीडियो भी, जो उसके नोट्स थे वो भी मैंने दिए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जो इंग्लिश की वीडियोज़ हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे देखना चाहता है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वीडियो है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, अगर तो आपको कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है तो उसको ये सुजेस्ट कर देना कि इस चैनल को फॉलो करके बहुत वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। मैक्सिमम अगर यहाँ पे चैनल को फॉलो कर रहा है तो गारंटी देता हूँ कि किसी को यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। कल हमने यहाँ पे 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जो फर्स्ट पार्ट था। आज हम 5th पार्ट से कंटिन्यू करेंगे और आज चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे जो 5th टॉपिक है हमारा, वो क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो यहाँ पे शिल्प कला है, ठीक है, उसको यहाँ पे वो कैसे बनाते थे, कैसे तैयार करते थे, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको कैसे यहाँ पे बनाया जाता था, ठीक है, जैसे बीड मेकिंग हो गया, जैसे मोती हो गया, यहाँ पे शेल कटिंग, जैसे वो शंख होते हैं उनको काट के यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, मेटल वर्किंग की जाती है, ठीक है, ये क्या चीज़ें होती है ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ठीक है, इन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे वो। मटेरियल क्या क्या यूज़ करते थे, ठीक है, बीड जो मोती बनाने में, जैसे स्टोन, ठीक है, बहुत सारे स्टोन यूज़ करते थे, जैसे कार्नीलियन स्टोन होता है, ठीक है, वो लाल कलर का होता है, जैस्पर होता है, ठीक है, जैस्पर ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो पत्थर होता है ये जैस्पर होता है, ठीक है। क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है इसको बोलते हैं क्वार्ट्स स्टोन, ठीक है, इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। स्टीडाइट, स्टीडाइट क्या है, दिस वन, ठीक है, ये स्टोन होते हैं बेसिकली, इनका इस्तेमाल किया जाता था पहले वाले टाइमों में, ठीक है। और यहाँ पे जो मेटल का इस्तेमाल करते थे वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, इनका यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर जो मोती की जो माला बनाते थे उसमें किस किस का यहाँ पे यूज़ किया जाता था, जैसे यहाँ पे शैल, ठीक है, शंख होता है, जो फायंस, ये क्या होता है, जो बर्तन टाइप होता है, ठीक है, टेराकोटा, बर्नट क्ले, जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे गर्म किया जाता था। इन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था मोती बनाने के, ठीक है, जो माला होती है उनको बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं फिगर में दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे ये माला है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे माला को बनाया जाता था इन सभी का यूज़ करके। उसके बाद क्या है कि जो यहाँ पे माला बनाई जाती थी वो दो या दो से ज़्यादा पत्थरों का भी यूज़ किया जाता था उसमें, ठीक है, और उनको अलग अलग शेप्स दी जाती थी। शेप्स कैसे दी जाती थी, जैसे डिस्क की शेप दे दी, या सिलेंड्रिकल शेप दे दी, या स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार में शेप दे दी, ऐसे बहुत सारी वो शेप्स देते थे, ठीक है। और यहाँ पे डेकोरेट किया जाता था इनको पेंटिंग के साथ, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस भी इनके ऊपर बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फिगर में, जैसे यहाँ पे इसको पेंट किया हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वो कारीगरी अपनी करते रहते थे। और यहाँ पे टेक्निक क्या है यहाँ पे माला बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेते हैं क्या टेक्निक है, कैसे वो यूज़ करते थे, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे स्टोन होता है स्टीराइट, ठीक है, उसका जो यहाँ पे पाउडर होता है उसको पाउडर के यहाँ पे यूज़ करते थे, जो मोल्डेड पेस्ट था, ठीक है, मोल्डेड पेस्ट यहाँ पे क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करके फिर यहाँ पे माला को बनाया जाता था, ठीक है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो टेक्निक है माला बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में पूछ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पे कर चुके हैं,
सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिक्योरिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल वो कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसके बारे में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या क्या थी उनकी। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो टेराकोटा टॉय हमें मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें नहीं मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने यहाँ पे एनालिज किया था, छानबीन की थी। सो उन्होंने यहाँ पे ये पता लगाया है कि वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ठीक है, इनका इस्तेमाल यहाँ पे उस टाइम में होता होगा। ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, ठीक है, सो यहाँ पे वो यूज़ करते थे इनका। ठीक है, सो इनसे हमें एक आइडिया मिलता है। ठीक है, जैसे वो टॉयज हमें मिले हैं, खिडौने ऐसे मिले हैं। और यहाँ पे जो शिप्स हो गया, बोट्स हो गया, ठीक है, ये सेल्स के ऊपर इनके भी हमें निशान मिले हैं। सो ऐसे में ये हो सकता है कि पहले जो रिवर रूट्स थी उनका इस्तेमाल किया जाता था इनके द्वारा, और यहाँ पे जो गुड्स हैं और लोग, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे व्यापार वगैरह करते थे, जाते थे। ठीक है, और क्या यहाँ पे मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सो मटेरियल वो कहाँ कहाँ से गेट करते थे, प्राप्त करते थे। सो जो हड़प्पा लोग थे, ठीक है, जो वो मटेरियल कहाँ कहाँ से गेट करते थे, नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से वो शंख जो होते हैं उनको यहाँ पे गेट करते थे। ठीक है, शोरतुगई से वो क्या क्या गेट करते थे, लैपिस लजूली। ठीक है, ये क्या होता है, एक ब्लू स्टोन जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ये। सो ये क्या होता है, यहाँ पे लैपिस लजूली होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है ये, इससे ये स्टोन भी बनाए जाते हैं, पत्थर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा पाउडर टाइप होता है। और यहाँ पे लोथल में कार्नीलियन एंड स्टीडाइट, ठीक है, ये यहाँ पे मिले हैं पत्थर। और जो मेटल यहाँ पे वो कहाँ से ये प्राप्त करते थे, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। सो अगर आप एक या दो बार वीडियो को देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। ठीक है, सो और क्या क्या स्ट्रेटजी को ये यूज़ करते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल को गेट करने के लिए। सो ये अपने एक एक्सपीडिशंस, ठीक है, क्या होता है, अभियान दल। सो एक यहाँ पे दल भेजते थे, ठीक है, कहाँ पे, क्षेत्रीय रीजन में भेजते थे, जो बेसिकली राजस्थान में है, वहाँ से ये लाते थे कॉपर, और साउथ इंडिया से ये व्यापार करते थे गोल्ड। ठीक है, जो सोना होता है, जो यहाँ पे हड़प्पन स्टीडाइट है, ठीक है, जो पत्थर यहाँ पे हड़प्पा में पाए जाते थे, वो यहाँ पे जो मोती, ठीक है, माला बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो यहाँ पे जो क्षेत्रीय एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पाए गए हैं। सो ये किस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है, सो गणेश्वर जोधपुर कल्चर। सो इससे ये पता चलता है कि जो ये गणेश्वर जोधपुर कल्चर है, ठीक है, लोग हैं ये जो कॉपर हैं ये हड़प्पा लोगों को यहाँ पे सप्लाई करते होंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे निशान मिले हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में व्हाट इज़ गणेश्वर जोधपुर कल्चर, क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो खेतरी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट थे, वहाँ उन्होंने यहाँ पे एक नया कल्चर फाइंड किया, और उसको ही वो क्या बोलते थे, गणेश्वर जोधपुर कल्चर के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, सो ये बेसिक बातें, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो दूर के देश थे वहाँ पे भी ऐसे कुछ निशान मिले हैं कि हाँ उनसे व्यापार वगैरह कुछ होता था। ठीक है, सो क्या था वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो कॉपर है वो कहाँ से मिला है, यहाँ पे ओमन, ठीक है, जो अरब देश में है, सो वहाँ से ये लाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे छानबीन हुई है कि जो ओमनी कॉपर है और हड़प्पा का जो कॉपर है, ठीक है, उनमें निकल के अवशेष पाए गए हैं। और यहाँ पे जो हड़प्पा का जार है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो काली मिट्टी है उसके साथ यहाँ पे कोटेड किया हुआ है, ठीक है, लेप यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सो ये जो जार था, ठीक है, हड़प्पा का जो जार था, ये कहाँ पे मिला है, ये ओमन में मिला है। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं। सो ये रहा हड़प्पा का जार, जो कहाँ पे मिला है, ओमन में मिला है ये। और क्या यहाँ पे जो मेसोपोटामिया साइट है वहाँ पे भी निकल के, सेम जो निकल के अवशेष वहाँ पे पाए गए हैं। और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि जो हड़प्पा की सेल्स, वेट्स, डाइस, बीड्स, ठीक है, ये सभी भी मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। ठीक है, सो इसके भी अवशेष मिले हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जो हड़प्पा वाले लोग थे ये दूर जो देश थे उनके साथ ये व्यापार वगैरह उस टाइम करते होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ उनसे कॉन्टैक्ट था उस टाइम में भी। ठीक है, सो ये रही डाइस। ठीक है,
सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट के यहाँ पे सील्स एंड सीलिंग्स। सो सील एंड सीलिंग्स ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता था ठीक है, कम्युनिकेशंस के लिए। सो क्या होता था, जैसे कि एक बैग है ठीक है, इसमें बहुत सारा सामान पड़ा है। अब यहाँ पे क्या करते थे, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने सेंड करना है, इस बैग को भेजना है। सो यहाँ पे जो इसका मुंह था उसको तो ये यहाँ पे बांध देते थे ठीक है, रस्सी के साथ। सो यहाँ पे इसको रस्सी के साथ बांधा। सो यहाँ पे रस्सी के साथ जब बांधते थे, यहाँ पे जो इसकी नोट होती थी, नोट क्या होता है, गांठ जब यहाँ पे लगाते थे, तब उसको यहाँ पे जो गीली मिट्टी होती थी ठीक है, गीली मिट्टी लगाते थे, उसके साथ यहाँ पे जो सील्स होती थी ठीक है, उनके साथ यहाँ पे प्रेस कर दिया जाता था, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया। सो गीली मिट्टी के ऊपर जैसे ही इन्होंने यहाँ पे सील के साथ प्रेस किया, तो यहाँ पे एक मोहर छप जाती थी ठीक है। सो ऐसे में जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अगर तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुँच गया, इट मीन्स जो इसकी गांठ है उसको यहाँ पे नहीं छेड़ा गया ठीक है, वो ऐसे ही पता चल जाता था। अगर तो यहाँ पे छेड़ा होता, इसको खोला होता, तो यहाँ से जो सील है ये टूट जाती ठीक है, जो ये पत्थर वगैरह जो लगाया हुआ है। सो ऐसे में यहाँ पे पता चल जाता था। सो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जो बैग हैं, जो भी सामान इन्होंने ले जाना होता था, वो सही सलामत पहुँच जाए। सो ऐसे में ये यूज़ करते थे सील्स एंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे जो इनकी लिपि होती थी ठीक है, वो एक्चुअल में पिक्टोग्राफी यानी कि पिक्चर की फॉर्म में होती थी ठीक है। और यहाँ पे जो इनका लिखने का स्टाइल होता था वो होता था राइट टू लेफ्ट। पहली लाइन में तो वो लिखते थे राइट से लेफ्ट ठीक है, इट मीन्स यहाँ से वो लिखना स्टार्ट करते थे। हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये लिखते थे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ठीक है, फर्स्ट लाइन में। जब यहाँ से वो दूसरी लाइन स्टार्ट करते थे, तब वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव करते थे ठीक है। यानी कि पहले वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में वो लेफ्ट से फिर राइट की ओर मूव करते थे ठीक है, वो इस वे में ऐसे लिखते थे ठीक है। सो ये जो यहाँ पे स्टाइल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफिडोन बोलते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए चल रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको जो कॉन्सेप्ट वो अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप आगे चल के ग्रेजुएशन में करते हो, बीए वगैरह में ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में होगा। सो यहाँ वहाँ पे आपको समझने में बहुत अच्छा ठीक है, इजिली यहाँ पे समझ आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे अभी डिटेल में करते हुए चल रहे हो तो ठीक है। और क्या है, अगर तो आप थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे डिटेल में लिखते हो, टू द पॉइंट लिखते हो एग्जाम में। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आप एग्जाम को लिखते हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने पैरा बिल्कुल भी नहीं बनाना है ठीक है। सो जब भी आप पैरा बनाते हो, जो एग्जामिनर होता है आपके वो नंबर यहाँ से काट लेते हैं। जैसे कि जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सभी मैंने वन बाई वन लाइन में बनाए हुए हैं ठीक है, पॉइंटिंग दी हुई है। ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्स में लिखना है ठीक है। इससे क्या होगा, जो इम्प्रेशन होगा एग्जामिनर का ठीक है, वो ज़्यादा पड़ेगा। ऊपर से आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट साबित होंगे ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट की ठीक है। सो ये हमें कैसे पता चलता है कि पहले वो यहाँ पे लिखते थे राइट टू लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखते थे ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था समझने का, जब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हम लिखते हैं वट एवर, पहले तो हम यहाँ पे स्पेस दे के लिखते हैं ठीक है, साफ साफ लिखते हैं। जब यहाँ पे लाइन ख़त्म होती है तब हम बहुत ही क्लोज क्लोज लिखने लग जाते हैं ठीक है, बहुत ही। सो ऐसे ही जब ये यहीं से फिर मूव करने लग जाएं, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही स्पेस दे के लिखते थे, जब यहाँ पे लाइन ख़त्म होने वाली होती थी तब यहाँ पे वो बिल्कुल ही क्लोज क्लोज लिखने लग जाते थे ठीक है। सो ऐसे में यहाँ पे पता चलता है कि जो इनकी लैंग्वेज थी वो इस प्रकार की थी ठीक है। पहले राइट टू लेफ्ट फर्स्ट लाइन में लिखते थे, देन लेफ्ट टू राइट सेकेंड लाइन में लिखते थे ठीक है। सो इस तरह के जो स्टाइल होता है, लिखने का वे होता है, उसको बोलते हैं बोस्ट्रोफिडोन बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पे जो वो साइन यूज़ करते थे ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में था जैसा मैंने ऊपर बताया। सो ये जो साइन यूज़ करते थे टोटल यहाँ पे 375 से लेके 400 तक थे ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टडी की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने ये पाया, और यहाँ पे ये रीडेबल नहीं थे ठीक है, इनको बहुत ही मुश्किल था पढ़ना ठीक है, ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता इनको ठीक है।
सो यहाँ पे ज़्यादातर जो लाइन थी वो बहुत ही छोटी होती थी, लेकिन जो यहाँ पे लॉन्गेस्ट लाइन सबसे लंबी लाइन होती थी उसमें 26 साइन यहाँ पे पाई जाते थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो साइन होते थे जैसे सील हो गया, कॉपर जार हो गया, ज्वेलरी हो गया, बीड्स हो गया, ठीक है। सो इस टाइप की यहाँ पे स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे क्या है वेट। सो वेट यहाँ पे जो बनाए जाते थे वो यहाँ पे चर्ट स्टोन के बनाए जाते थे, ठीक है, जो क्यूबिकल फॉर्म में थे, ठीक है, यहाँ पे जो फिगर में दिखाए हुए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो लॉयर डिनोमिनेशन थी वेट की वो जनरली बाइनरी फॉर्म में होता था, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, सोन ऐसे मूव करता रहता था, ठीक है। सो यहाँ पे जो बाइनरी फॉर्म लॉयर डिनोमिनेशन थी ये यूज़ किया जाता था ज्वेलरी और बीड्स के लिए, ठीक है, इनको तोलने के लिए वट एवर जो भी है इस्तेमाल इनका करते थे। यहाँ पे जो हायर डिनोमिनेशन थी, ठीक है, वो थी बेसिकली डेसिमल सिस्टम में, ठीक है, याद रखना जो हायर डिनोमिनेशन थी ये डेसिमल में थी, और यहाँ पे ये यूज़ किया जाता था इसको फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। सो इनको यहाँ पे यूज़ किया जाता था फूड ग्रेन्स के लिए। अब यहाँ पे मेटल स्केल पैंस का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, यहाँ पे जो तोलने वाली होती थी जैसे तकड़ी बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। सो वो भी यहाँ पे पाई गई थी, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता था किसको मेज़र करने के लिए, क्लॉथ को और जो अदर मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनको मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंशियंट अथॉरिटी, किस प्रकार की वहाँ पे अथॉरिटी होती थी, राजा होता था या नहीं होता था, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हड़प्पा में पॉटरी हो गया, सील्स हो गया, वेट्स, ठीक है, ये इसके सबूत यहाँ पे हमें मिले हैं, बहुत ही शानदार मिले हैं, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट में भी पढ़ते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे ब्रिक का साइज था, ठीक है, जम्मू से लेके गुजरात तक का, वो सभी यहाँ पे सेम रेशो में था, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक डिमेंशन बताई थी, वो क्या डिमेंशन थे ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी पूछता हुआ चलूँगा, सो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चेन बन जाएगी कॉन्टिन्यूटी कि हाँ आप लास्ट वाले वीडियोस भी देखते हुए चल रहे हो या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको चार सिविलाइजेशन बताई थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वो कौन कौन सी थी और उनमें से सबसे बड़ी कौन सी थी ये भी आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी थी उनमें से, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेटलमेंट होती थी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते थे, ठीक है, जैसे बीड्स के लिए, ठीक है, जो मोती होते थे, स्टोन्स के लिए, ठीक है, इनको यहाँ पे प्राप्त करने के लिए वो सेटलमेंट करते रहते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे लेबर लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ईंटों को बनाने के लिए। और यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन वॉल्स होंगी, ठीक है, दीवारें होंगी या प्लेटफॉर्म्स, इनको बनाने के लिए लेबर का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से इन सभी को कौन ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है, ये एक्टिविटी कौन ऑर्गेनाइज करता था, मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई राजा हो जिसके द्वारा ये सभी एक्टिविटी करवाई जाती हो, ठीक है, जो भी अभी हमने पढ़ा। लेकिन अभी हम और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में वहाँ पे क्या था। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्लेसेस एंड किंग्स। सो लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदारो में यहाँ पे देखी गई है, ठीक है, जिसको यहाँ पे यहाँ पे जिसको टैग करा गया है, ठीक है, यहाँ पे लेबल करा गया है कि वो एक पैलेस की तरह यहाँ पे दिखते थे, किसके द्वारा, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये बताया गया, बट यहाँ पे ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे स्टोन स्टैचू, ठीक है, वो भी यहाँ पे टैग किए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनको प्रीस्ट किंग से नाम से जाना जाता था, ठीक है। सो ये कैसे पता लगा, सो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पे जो प्रीस्ट किंग थे, ठीक है, वो बिल्कुल ही फैमिलियर थे, जैसे कि उन्होंने मेसोपोटामिया में जब खोज की थी वहाँ पे भी ऐसे ही अवशेष पाए गए थे और ऐसे ही यहाँ पे प्रीस्ट किंग पाए गए थे, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ से पता लगाया कि हाँ यहाँ पे जो ये स्टोन स्टैचूज हैं ये क्या है, यहाँ पे प्रीस्ट किंग है, ठीक है। यहाँ पे हम डाइग्राम में देख लेते हैं, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे जो डाइग्राम है प्रीस्ट किंग के वो भी यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। सो कुछ यानी कि जो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी है वहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था, वहाँ पे कोई भी राजा नहीं था,
क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो इंजॉय करते थे अपने अधिकार, ठीक है, इक्वल राइट्स यहाँ पे इंजॉय करते थे। लेकिन कुछ का ये मानना था कि वहाँ पे रूलर्स थे, जैसे मोहनजोदारो का अलग था, हड़प्पा का अलग था, सोन, ऐसी सभी के यहाँ पे अलग अलग किंग्स होते थे, ठीक है, जो रूल करते हैं। और यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि एक सिंगल स्टेट होती थी और यहाँ पे सिंगल रूल होता था, ठीक है, एक ही यहाँ पे शासक होता था, राजा होता था, ठीक है। क्यों ये इन्होंने ये बात कही? क्योंकि ऐसे अवशेष पाए गए हैं जैसे सेम रेशो, ठीक है, जो ईंटें थी उनकी सभी की यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट, जैसे ही वो जो रॉ मटेरियल, ठीक है, उन्होंने गेट करने होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटलमेंट हो जाते थे, ठीक है। सो वहाँ से वो जो सोर्सेज होते थे उनको गेट करते थे, जैसे बीड्स हो गया, स्टोन्स हो गए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वो गेट करते थे, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करते थे। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना कि वहाँ पे सिर्फ एक ही शासक होता था और एक ही स्टेट होती थी, ठीक है। सो ये हम कर चुके प्रिस्ट किंग। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो क्या है, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सो ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका अंत कैसे हुआ, सो ये हम देखते हैं। सो हो सकता है यहाँ पे फेमाइन, ठीक है, अकाल आया हो, हंगर, ठीक है, भूखमरी यहाँ पे छा गई हो, या ड्राउट, ठीक है, सूखा पड़ गया हो। यहाँ पे हो सकता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, वो आए हों, जैसे फ्लड हो गया, ठीक है, और टाइफूनस हो गया, आंधी, अर्थक्वेक, ठीक है, भूचाल हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी है उन वो फट गए हों, ठीक है, जिनकी वजह से जो पूरी सभ्यता है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। पीरियोडिक फ्लडिंग ऑफ इंडस, पीरियोडिक फ्लडिंग मीन्स ये लगातार जो फ्लड है, ठीक है, वो आते रहे होंगे उस टाइम में, जिसके वजह से जो इंडस लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी सिटीज़ को वहाँ पे छोड़ के चले गए, ठीक है, डिजर्शन होता है परित्याग, अपनी सिटीज़ को छोड़ के कहीं और चले गए। या हो सकता है कि आर्यंस, ठीक है, आर्यंस यहाँ से आ गए थे, ठीक है, उन्होंने हमला किया सिविलाइजेशन के ऊपर और इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद क्या आया था, आर्यंस लोग आए थे, और उसके बाद यहाँ पे जो वैदिक एज है वो स्टार्ट हो चुका था। और क्या रीज़न यहाँ पे दिए जा चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन, यहाँ के जंगलों को काट दिया गया था, ठीक है, या आग लग गई थी, और क्या थे यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से ये जो सभ्यता है वो ख़त्म हो चुकी थी। या शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ठीक है, हो सकता है जो यहाँ पे नदी हैं उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, ठीक है, बिना पानी के तो कोई भी यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता। या तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पे रिवर्स हैं वो सूख गई, जिसके कारण यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसका अंत हो गया, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कनिंगम्स कन्फ्यूज़न। सो कन्फ्यूज़न क्या थी वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के। सो ASI की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट यूज़ किया कि इनका जो चाइनीज बुद्धिस्ट आए थे पिलग्रीम्स, ठीक है। सो पिलग्रीम्स क्या होता है, जो मुसाफिर थे, राहगीर, ठीक है, वो आए थे, उन्होंने विजिट किया था इस कॉन्टिनेंट में, कहाँ, कब, 14th एंड 17th, ठीक है, सेंचुरी के बीच में। सो यहाँ से जब ये यहाँ पे रहते थे, सो इनके द्वारा यहाँ पे एनालाइज किया गया, छानबीन की गई कि यहाँ पे कुछ अवशेष यहाँ पे मिल जाएं। सो यहाँ पे जो एक हड़प्पा सील थी, ठीक है, वो दी गई कनिंगम को इंग्लिश मैन के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी जो एविडेंस थे वो नहीं मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, क्या है, जॉन मार्शल्स इग्नोरेंस। सो जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल थे और फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में काम किया था। सो यहाँ पे पहले ये ग्रीस में काम करते थे, सो वहाँ पे जो इनका एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे इंडिया में आए, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया अपने, जो यहाँ पे प्रेशियस थिंग्स थी, यहाँ पे जो पैटर्न्स थे उनको लेके, जो यहाँ पे मार्शल ने एक्सकवेट किया आर्टिफैक्ट्स, जो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स थी, ठीक है, उनको यहाँ पे खुदाई की उन्होंने अलग अलग। तो यहाँ पे जितने भी सुराग यहाँ पे मिले थे उन्होंने क्या किया, सभी को यहाँ पे मिक्स कर दिया। सो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती थी वो सभी क्या होगी, ख़त्म होगी, ठीक है।
क्लियर है, जो भी इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे खुदाई की थी, ठीक है, वो सभी अलग अलग लेयर्स थी, वो सभी को इन्होंने मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट हो सकती थी वो सभी यहाँ पे लॉस हो चुकी थी। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या है REM व्हीलर्स प्रॉब्लम, सो क्या प्रॉब्लम थी। सो यहाँ पे ये डायरेक्टर जनरल रहे थे ASI के, ठीक है, ASI की क्या फुल फॉर्म है ये नीचे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। सो यहाँ पे 1944 में ये रहे थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया, यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पे सुधारा। ठीक है, सो कैसे सुधारा इन्होंने, सो इन्होंने यहाँ पे ये जरूरी समझा कि जो स्ट्रेटिग्राफी है उसको यहाँ पे फॉलो करके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, अरेंजमेंट की स्टडी। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना, जो यहाँ पे माउंड की स्टडी की गई थी, ठीक है, यहाँ पे जो लाइक डेड बॉडीज़, ठीक है, बहुत सारी थी, उनकी यहाँ पे इन्होंने स्टडी की अरेंजमेंट के साथ, ठीक है, ना कि इन्होंने क्या किया कि रैदर देन डिक मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको यहाँ पे खोदना शुरू नहीं किया कि हाँ जितनी भी कब्रें थी उनको यहाँ पे खोदते रहे वो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जैसे वो पहले लोग करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अरेंजमेंट की स्टडी की, ठीक है, लेयर वाइज लेयर जो भी यहाँ पे माउंड थी। सो इस वे के साथ इन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी उसको यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, चैप्टर का क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि जो पशुपति महादेव, ठीक है, इनको शिवा, ठीक है, जो गॉड शिव हैं इनको यहाँ पे सील्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि ये आपको सील दिख रही है, सो ये क्या है, लॉर्ड शिवा। ठीक है, सो यहाँ पे ये योग पोस्चर में बैठे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एक थ्री फेसेस हैं इनकी इस जो सील है, और यहाँ पे टू हॉर्न्स हैं, ठीक है, सिंग, और यहाँ पे इसके जो सराउंडेड में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया ये, टाइगर हो गया ये, ठीक है, रीनो, रीनो क्या होता है ये, गेंडा, ठीक है, सो ये रीनो रहा, बफेलो, ठीक है, टू डियर अपीयर दैट इज फिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो लिंगम और योनी, इनकी यहाँ पे पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स नहीं होते थे उस समय में, जो यहाँ पे इंडस लोग थे वो माना जाता है कि वो गोस्ट और एविल, ठीक है, भूतों प्रेतों में यहाँ पे विश्वास रखते थे। ठीक है, यहाँ पे फायर जो अल्टर्स है ये भी यहाँ पे पाया गया, कहाँ पे, लोथल और कालीबंगा में। क्लियर है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।